अच्छा ये बताओ, तुमको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बिरयानी। अम्मा क्या आपकी बिरयानी पसंद है? हाँ पसंद है क्या? ईद पे खाई थी बिरयानी? अच्छी लगती है? अच्छी। बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो फिर एक काम करना, तुम्हें टाइम मिले ना तो फिर हमारे पास आना। तो तुम उसको स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आओगे ना तो हम भी तुमको बिरयानी खिलाएंगे। ठीक है, पक्का? पक्का ना? लेकिन अब आपको वहाँ नहीं जाना। ठीक, और आपका प्रॉमिस है मुझसे कि नहीं जाएंगे। अच्छा, हमारे पास एक चूड़ी वाले हैं शान सिद्दीकी साहब, इनका खानदानी काम है चूड़ियाँ बेचना। असल बात यह है कि मंगनी हो चुकी है, इनकी शादी होने वाली है। यहाँ ये शान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? क्या बात है? ठीक, मुझे ये बताइए आपकी मंगनी हो चुकी है? जी बिल्कुल। शादी होने वाली है? नहीं अभी नहीं। कब होगी? कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, हमारे पास दो लोग हैं जिनको हम चूड़ियाँ दे सकते हैं। मैम, अगर हम आपको चूड़ियाँ दें तो प्लीज क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगी? कर लेंगी? बढ़िया, आप इन्हें पहना सकती हैं? श्योर। पक्का? आप दे सकते हैं इनको चूड़ियाँ? अच्छा, बगैर देखे इनका साइज बता सकते हो क्या होगा? तुम तो बहुत पहनाते हो गए चूड़ियाँ। मैं तो भाई का भी बता दूंगा। भाई का? अच्छा, समून का साइज क्या है? ढाई इंची। ढाई इंची? ढाई इंची लेके तो लेके आओ ढाई इंची लेके आओ। एक सेकंड, आप लोगों को चूड़ियाँ देते हैं, एक मिनट। ढाई इंची समून को पहनाना है। पक्की नहीं पहन सकते तुम, ये नहीं आ सकती। समून आ जाएगी। चूड़ियाँ नहीं आ गई, ये टूट रहा है। मरा हाथ टूट रहा है, एक मिनट। बच्चों के हाथों में चूड़ियाँ नहीं होती, नहीं। सिर्फ हथकड़ियाँ होती हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए इन दो, इनका साइज क्या? मध्य आता पॉइंट दो तो आ जाएगा आराम से। तुम वैसे झूठे आदमी हो। शमून का ढाई इंच का था, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इनका इनको पौने दो आ जाएगा, और इनको दोनों को पौने दो। बेचारा उतारने पहनने के लिहाज से दो का दे देगा। सही तो लिहाज से लेके आओ ना, क्या कर रहे हो तुम? पौने दो या तू ये बता। अरे पौने जो तुम्हें चूड़ी वाला मैं हूँ, तुम हो। पौने दो लेकर आ जाऊँ? अबे जा, तुम लेके आओ ना, पौने दो लेके आ जाओ। पौने दो मुझे बताओ ये क्या है? हाँ ये ठीक है, ये सही है, ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, ठीक है। दो का साइज है। और ये वाला? ये भी दो, ये दो। आपको कौन सी पसंद है? नहीं, जो आपकी पसंद है, जो आपको पसंद है बोले वही पहनाएंगे। आपको कौन सी पसंद है? मुझे भी पहननी है। समूह ने जरा मुझे भी पहननी है। ऑफ कोर्स भाई पहनाएंगे आपको। मैं इनसे पहनने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इनसे पहनेंगे? कौन सी चीज़ है बताइए, आप बताइए। Thank you.
तो गाना होना चाहिए तेरी मेरी मेरी तेरी ये कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। तो आप समझते हैं ब्रेक के बाद समझो देखो मेरा निखार यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। उल्टा पकड़ना। उल्टा क्यों? कोल्ड क्रीम निखार बढ़ेगा नहीं सर से घटेगा इस साल। नो उल्टा बढ़ेगा। कोल्ड क्रीम फेयरनेस छीन लेती है। यूज फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम जो सर्दियों में फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी। निखार घटने की जगह उल्टा बढ़ गया ना। टोल्ड यू फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम। डेंगू से बचाव मुमकिन है। डेंगू से तहफ्फुज़ का वाहिद हल डेंगू मच्छर से बचाव है। फजर और मगरिब के वक्त घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और मोर्टीन मस्कीटो स्प्रे इस्तेमाल करें। मोर्टीन का इस्तेमाल डेंगू से तहफ्फुज। नई डीप सुप्रीम एसेंस हेयर रिमूवल क्रीम इसमें है एसेंशियल ऑयल और वेलवेट रोज फ्रेग्रेंस जो बनाए मेरी स्किन स्मूथ और ग्लोइंग। फेज अब आपके लिए साशे में भी वही खूबसूरती का हिस्सा सिर्फ 25 रुपए में। जज्बा की बर्थडे सबको मुबारक और हमारे 50 लाख जज्बा कस्टमर्स एंजॉय करें एक जबरदस्त बंडल 100 फ्री मिनट और 100 SMS 4 दिसंबर को 25 नवंबर तक 452 पर SMS करें। बर्थडे जज्बा की पार्टी सबकी सब जज्बा। सक्सेसफुल इस साल फिर लाया एक शानदार मर्सिडीज जीतने का मौका। जैसे पिछले साल समादुर रहमान ने मर्सिडीज जीतकर बदली अपनी किस्मत, इस बार आप भी सक्सेसफुल का ऊपर वाला हिस्सा अपने आईडी कार्ड की कॉपी और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स 15580 पर भेजें। क्या पता इस साल मर्सिडीज आपकी हो। देखो मेरा निखार यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। उल्टा पकड़ना। उल्टा क्यों? कोल्ड क्रीम निखार बढ़ेगा नहीं सर से घटेगा इस साल। नो उल्टा बढ़ेगा। कोल्ड क्रीम फेयरनेस छीन लेती है। यूज फेयर एंड लवली विंटर फेयरनेस क्रीम जो सर्दियों में फेयरनेस बढ़ाए और दे मॉइस्चराइजर की नमी। निखार घटने की जगह उल्टा बढ़ गया ना। Told you. Fair and lovely winter fairness cream. डॉक्टर अनिला पाशा एक housewife भी है। Out. वो जानती है कि घर जो दिखे साफ वो साफ नहीं। बीमारी फैलाने वाले जरासीम आम फिनाइल से नहीं मरते, इसीलिए मुझे चाहिए एक ऑल राउंडर डेटॉल सर्फेस क्लीनर। ये करे जमे हुए मैल की सफाई, जरासीम का खात्मा और घर को रखे महकता हुआ। हमारी ऑलराउंडर डेटॉल सर्फेस क्लीनर, घर की सफाई जरासीम का सफाया। डेंगू से बचाव मुमकिन है। डेंगू से तहफ्फुज़ का वाहिद हल डेंगू मच्छर से बचाव है। लंबी आस्तीनों वाले कपड़े पहने और मोर्टीन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल करें। मोर्टीन का इस्तेमाल डेंगू से तहफ्फुज़। तुम्हारे लिए ये राजा, तुम्हारे लिए गाना गा रहे हैं। तुम्हारे लिए गाना गा रहे हैं हम। गाने इधर आते तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान के लिए
सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे एक कर्ज रखा है। उससे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस, अगर आपको कोई ऐसा राजा मिले जो किसी कार की शॉप पे, किसी मैकेनिक शॉप पे काम कर रहा हो, आपकी गाड़ी का दरवाजा खटखटाए, तो उसको पैसे देके भेज मत दीजिएगा। उसका हाथ पकड़िएगा और उससे कहिएगा, चलो मैं तुमको स्कूल छोड़ के आता हूं, स्टे इन स्कूल। थैंक यू। Honestly, I think I like this show. I really like this show. और वक्त हुआ है तुम लोगों के कुछ सवाल पूछने का। हमारे पास एक सेगमेंट होता है जिसमें हम फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइन मुजाहिद रियाज इज हियर विद अस, और आप दोनों के सवाल हैं। आप दोनों अपने करियर के बारे में या अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में जो कुछ पूछना चाहते हैं, इज गोइंग टू बी देयर टू आंसर। एक मंत्री स्थिति हाथ करता हूँ मुजाहिद रियाज। क्वेश्चन है वेरी जनरल बट बड़े स्पेसिफिक आंसर आपको चाहिए थे, तो कार्ड के थ्रू जो मैं करता हूँ उससे मदीन साहब आपने पूछा था कि आपका अगला साल कैसा होगा, तो उसके बारे में जो कार्ड निकले थे उसमें ही मैंने आपको बताया कि दो सिग्निफिकेंट ऐसे शख्स हैं जो अपनी फील्ड में किंग हैं, यानी कि एक जो है वो शोरत के उनके पास बहुत है और दूसरे जो है उनके पास फाइनेंस में कोई कमी नहीं है। तो आपकी जो ख्वाहिश होगी, जिस प्रोजेक्ट की भी ख्वाहिश होगी, वो मुझे मार्च में होती हुई नजर आ रही है अगले साल। उसकी जो फंडिंग वगैरह होगी वो आपको इन दोनों के थ्रू मिल सकती है। तो आई नो अगला साल आपका बहुत बिजी होने वाला है। भाई को नहीं बोला, इंशाल्लाह भाई को नहीं बोला। भाई 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 आप हैं शमू साहब आपकी तरफ, तो आपका सवाल था कि आपकी जो मूवी जो रिलीज हो रही है वो उसका क्या हाउ विल इट परफॉर्म, उसका क्या असर होगा और हाउ कितना अच्छा वो परफॉर्म करेगी, तो उसके बारे में आप सबसे पहले आप ही निकले थे, उसके बाद जो उसके अंदर मेन लेडी कैरेक्टर, और फिर एक सेपरेट करके एक साहब निकले थे जो आप भी जानते हैं, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वाई इज ही सेपरेट, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी बहुत सेपरेट है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जमीन के बारे में, तो मैं इस मूवी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने आपको बताया कि इसका जमीन से ताल्लुक है, और उस जमीन से ताल्लुक होने की वजह से जो पूरी टीम बनी है और जिस प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया है वो बहुत फ्रूटफुल होगा, वो बहुत आगे जाएगी, आपको बहुत शोहरत मिलेगी और आपको इनाम मिलेगा। अच्छा तो बस डॉक्टर यही दो सवाल थे तुम लोग। हाँ, और हमने बोला और पूछ लिया तो पता नहीं क्या क्या बाहर आ जाए ना, तो हमने ज्यादा पूछा नहीं। हाँ, पता चले लोग ही डर जाएंगे, वाले भी और देखने वाले। अच्छा फाइनली तुम बता दो मैं इंडिया जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आपकी प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उससे पहले आपने कहीं और जाना है। कहाँ जी? आपको मैंने बताया जी साहब ने कहाँ जाना है, उसके बाद आपका ट्रिप है। कभी कभी आगे पीछे जाना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है। पीछे का मतलब ये लड़का ना, अब अफगानिस्तान जाऊंगा, पहले मैं अफगानिस्तान जाऊंगा फिर इंडिया जाऊंगा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि साहिर के लिए इंडिया यहाँ है, तो क्या कहते हैं लोग आप लोग? हाँ, साहिर को